सो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सीए फाउंडेशन के रिलेटेड कि सीए फाउंडेशन की डिटेल्स और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो डेमो चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन का, तो सारी के सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो में है कि सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशंस कब कब होते हैं, देन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आपकी पासिंग क्राइटेरिया क्या होगी, कोर्स की फ़ी क्या होगी, टोटल आपकी कोर्स जो आप एडमिशन लेंगे तो उसकी टोटल कोर्स की फ़ी क्या होगी, देन एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और उसका एक थोड़ा सा लाइव डेमो भी हम करके दिखाएंगे इसमें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल में भी सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन है प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं आप तक वो पहुंचती रहें। तो चलिए अभी हम देखते हैं सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्या क्या है अगर आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सीए फाउंडेशन। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है अगर आपने 10+2 मीन्स क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिया है या आप पास कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो अगर आप 10+2 एग्जामिनेशन आपने पास करा हुआ है या कोई उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके बराबर में कोई अगर आपके पास कोई डिग्री है जो कि रिकग्नाइज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो है दो बार होते हैं, मई एंड नवंबर में। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 12th है अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से करा हुआ है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप 10+2 एग्जामिनेशन दे चुके हों या पास कर चुके हों उतनी ही रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है आपका मई एंड नवंबर में होता है फाउंडेशन का, तो मई एंड नवंबर ये दो महीने होते हैं जब आपका फाउंडेशन का एग्जामिनेशन होता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के 4 महीने बाद आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया दिसंबर में, दिसंबर 31st तक आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो मई अटेम्प्ट आप दे पाएंगे। तो इसी तरीके से जून में आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो नवंबर अटेम्प्ट आप दे पाएंगे। तो इसी तरीके से 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। या और मैं आपको बता दूंगा गाइस कि यहाँ पे फिलहाल में तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे कवर कर दूंगा, इनकेस अगर आपको थोड़ी मोड़ी अगर कोई डाउट्स और भी बच जाते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा एक ब्लॉग है, काफ़ी डिस्क्राइब्ड ब्लॉग है, वहाँ पे जा करके इसको आप पूरी तरीके से छोटे मोटे जो डाउट्स आपके होंगे उसको आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगे। इन केस उसके बाद भी कोई डाउट बचता है आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर पाऊँ। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे सीए फाउंडेशन कोर्स में कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कवर होते हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो है पेपर 1 आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर होता है, अकाउंट्स का पेपर है, क्लास 11-12 बेसिक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है मीन्स आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको सॉल्व करना होगा। पेपर 2 होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें कि बिजनेस लॉ आपका आएगा 60 मार्क्स का और यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आती है 40 मार्क्स की। अब ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपको लिखना पड़ता है। देन थर्ड पेपर आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो पेपर 3 है, पेपर 3 आपको टिक मार्क करना होता है, टिक मार्क नहीं, जैसे कि क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक पेपर में और एक होगी आपकी आंसर शीट। उसमें क्या होगा कि आपको जैसे कि ABCD करके ऐसे 4 आंसर आपको दिए होंगे, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा और उसके सामने राउंड लगाना होगा, मीन्स वहाँ पे राउंड दिया होगा आपको पेंसिल से उसको पूरा फिल कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन पेपर 3 का सॉल्व करना होता है जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। पेपर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये भी पेपर जो है वो भी ऑप्शनल होता है, ये मीन्स जो आपको टिक मार्क वाले होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है सब्जेक्ट, ये पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, आपको ऑप्शंस होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना होता है।
अब यहाँ पे पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगी नेगेटिव मार्किंग। मींस अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आप गलत कर देते हैं तो -1/4 आपके मार्क्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस में से आपने एक क्वेश्चन सही करा तो उसके आपको एक नंबर मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले चारों के चारों क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो 1/4 चार बार मीन्स आपके -1 एक नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 में से अगर आपने एक सही करा, 4 गलत करे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। वही अगर आपने कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने चार जो एक आपने सही करा वो तो ठीक है, बाकी 4 आपने छोड़ दिए तो आपके 1 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, बट आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे लेकिन गलत अटेम्प्ट करा तो उसके आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है। तो CA फाउंडेशन की जो पासिंग क्राइटेरिया होती है, तो आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। एक पेपर 100 नंबर का है तो 100 में आपको 40 नंबर लेके आने होते हैं हर एक पेपर में पास होने के लिए। प्लस उसके बाद क्राइटेरिया ये होती है कि 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट लेने होते हैं, मतलब 400 नंबर का आपका जो सिलेबस है CA फाउंडेशन, 400 मार्क्स का टोटल है, तो 400 में से आपको 200 गेन करने पड़ेंगे, तो दोनों क्राइटेरिया आपको फिल करनी पड़ेगी। टोटल आपका 200 या 200 से ऊपर होना चाहिए, प्लस हर एक सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होने चाहिए, तो दोनों क्राइटेरिया आप फिल करेंगे, उसके बाद जा करके आप CA फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। तो ये क्राइटेरिया होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो कोर्स की रजिस्ट्रेशन प्लस फ़ी क्या होती है। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का फ़ी जो है वो 200 रुपये का होता है प्रोस्पेक्टस, और कोर्स की फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंटली अभी 9,000 रुपीज़ है। ये दिस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, मीन्स अभी तो मई 18 का अटेम्प्ट है, तो मई 18 के लिए फ़िलहाल में 9,200 रुपीज़ अभी चार्ज हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफली ये बढ़ते रहते हैं, तो ये डिपेंड्स करता है, वेरी करता रहता है। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे ICI की पता कर सकते हैं कि फ़िलहाल में अभी चार्ज क्या चल रहा है। फ़िलहाल में तो अभी 9,200 है, और जब भी आप एडमिशन या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि क्या अभी करेंटली इसका चार्ज है। अब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको प्रोसीजर आपको डेमो करके अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो चीज़ें हैं क्या क्या सबमिट करनी होती हैं। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं विद इन 7 डेज, तो 7 दिन के अंदर में जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के 7 दिन के अंदर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ICI में सबमिट करने होते हैं, और ये सबमिट करने होते हैं जो आपका सिग्नेचर है वो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करके आपको उसके बाद वहाँ पे रीजनल ऑफिस में सबमिट करने होते हैं। रीजनल ऑफिस मींस हर एक स्टेट का या हर एक सिटी का अपना एक ICI के रीजनल ऑफिस है, तो उस रीजनल ऑफिस में जाकर के आपको ये सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका जो ऑनलाइन जब आप एग्जामिनेशन फिल करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एक PDF फाइल आएगी। PDF फाइल की प्रिंट आउट मतलब हार्ड कॉपी आप उसको ले लेंगे, और उसके बाद वहां पे साइन करेंगे। साइन करने के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है जो आपका एडमिट कार्ड है या मार्कशीट है क्लास 12 की, उसकी फ़ोटो कॉपी, देन आपके फोटोग्राफ्स जो कलर फोटोग्राफ्स हैं तो वो, देन यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, जैसे कि नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या किसी अदर कंट्री से हैं, तो वहाँ पे उनकी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होती है। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके लिए ये कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि SC ST या OBC या डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 6th। अब यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, क्योंकि वहाँ पे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे होती है, तो 10th मार्कशीट या एडमिट का कार्ड आपको जो है वहाँ पे लगानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। तो मेजरली जो है आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 6 आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे रीजनल ऑफिस में। तो चलिए फिलहाल मैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो सबमिट करना है, जो ऑनलाइन आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, तो वो कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए अभी ऑनलाइन प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ।
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना पड़ेगा ICI.org की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा URL में ICI.org। तो इस URL को आप टाइप करेंगे तो ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि ICI की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा टॉप राइट में, यहाँ पे होम के पास में देखिए ई सर्विसेज लिखा हुआ है, तो ई सर्विसेज पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके पास में क्लिक करने के बाद ऐसी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ये वेबसाइट नेक्स्ट पे ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है न्यू स्टूडेंट्स, नेवर एनरोल विथ एनी कोर्स विथ ICI। अब यहाँ पे आप एकदम न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं CPT में और उनको कन्वर्जन कराना है, या अगर मान लीजिए कि किसी को CPT से या फाउंडेशन कोर्स से डायरेक्ट एंट्री में जाना है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम या ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपका है ये, और यहाँ पे आपको जो इमेज में यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है ये आपको टाइप करना होता है और लॉग इन कर लेंगे। बस इतनी सिंपल फॉर्मेलिटी होती है। अब अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन होने में, और नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको देना है आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर यहाँ पे देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये डिटेल आप फीड कर देंगे। आपका आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हुआ है, जो भी चीज़ें स्टार में हैं वो सारे की सारी कंपलसरी है। तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स फीड करने के बाद आप क्लिक कर देंगे रजिस्टर पे, तो आप हो जाएंगे ICI में रजिस्टर। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद डिटेल्स आ जाएंगी, मीन्स आप फिर बैक जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप करेंगे ई सर्विसेज पे फिर से क्लिक। क्लिक करने के बाद जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा यहाँ पे, रजिस्टर करने के बाद थोड़ी मोड़ी और डिटेल आएंगी आप फीड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ई सर्विसेज में जाएंगे, आपका यूज़र नेम मीन्स ईमेल आईडी और पासवर्ड आप फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। बेसिक डिटेल्स फिट करने के बाद आप जैसे बेसिक डिटेल्स फीड कर देंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको आपकी डिटेल्स मीन्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, वहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है अपलोड करने के लिए। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी मार्कशीट है क्लास 12th की, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को वही आती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उनको पता नहीं चलता है, या अगर आपने जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्कूल आपने छोड़ दिया है, क्लास 12th छोड़ दिया आपने और बाद में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जो स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे आप क्लास 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वहाँ पे आप जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह पे जो आपका एडमिट कार्ड है जो आपके जो क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो आप फाइल्स अपलोड करेंगे तो ध्यान रहे वो PDF फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। आप जो अपलोड करेंगे वो होनी चाहिए JPEG, जो कि इमेज होती है, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब इमेज की फॉर्मेट में होनी चाहिए। इन केस मान लीजिए कि आपके पास PDF फाइल है तो गूगल पे जाकर के आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे PDF टू इमेज कन्वर्टर, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से भी जाकर के आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और JPG में आप कन्वर्ट करके और फाइल्स आप अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, PDF जो फाइल होगी आपके पास आ जाएगी डाउनलोड करने के बाद, उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा और डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो प्रिंट आउट लेकर के और सबमिट कर दीजिएगा अपने रीजनल ब्रांच में। बस इतनी चीज़ें करनी होती है और आपको मिल जाएगा आपका CRO या NRO नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और आप इंस्टीट्यूट में एनरोल हो जाएंगे। उसके बाद जिस तारीख को आपकी एनरोलमेंट डेट होती है वहाँ से डॉक्यूमेंट आपके घर पे आएगा, आपके एड्रेस पे, कि आपकी एनरोलमेंट इस डेट को हो चुकी है। तो जो डॉक्यूमेंट आएगा मीन्स जो डेट वहाँ पे लिखी होगी उस डेट से आपका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उस डेट से 4 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जामिनेशन
देने के लिए। तो फिलहाल में यही प्रोसीजर होती है। बाकी इनके अगर आपको कोई डाउट आती है तो हमारा जो ब्लॉग है वीडियो के नीचे वो देख सकते हैं। अदरवाइज इनकेस अगर आपको और भी डाउट्स आते हैं तो वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो यहीं तक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।